ग्वालियर में कोरोना कहर ढा रहा है। दिनों दिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हालत यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11,000 के आसपास पहुंच गया है, लेकिन निजी अस्पतालों की मनमानी के चलते इसकी रोकथाम ठीक से नहीं हो पा रही है। कोरोना संक्रमण काल में लापरवाही का ताजा मामला ग्वालियर के RJN अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ा है, जहां पर मृतक की जानकारी नहीं देने पर CMHO ग्वालियर ने नोटिस जारी कर RJN अपोलो हॉस्पिटल से 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। अगर 2 दिन में हॉस्पिटल प्रबंधन नोटिस का जवाब नहीं दे पाता है तो हॉस्पिटल को COVID-19 के मानकों के तहत DCHC की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। दरअसल 30 सितंबर को एक बुजुर्ग की मौत के बाद अस्पताल एम्बुलेंस ने शव को मुरार चिकित्सालय छोड़ दिया। इसके लिए किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति अस्पताल संचालक द्वारा नहीं ली गई। नियम के तहत COVID-19 के पॉजिटिव मरीज की मृत्यु होने पर निर्धारित मानकों के अनुसार दाह संस्कार की यथोचित कार्रवाई की जानी थी, जिस पर CMHO ने RJN हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते नोटिस जारी किया है। हाँ, कल जो देखा जाए तो प्रथम दृष्टया में मुझे लगा था कि इनको नोटिस देना आवश्यक है, क्योंकि वो एक है सज्जन, उनकी ब्रॉड डेड हमारे मुरार अस्पताल में थे। वो तो पता किया तो मालूम किया कि RJN अपोलो से उनको वहाँ से भेजा गया था, तो ऐसा कहने से होना नहीं चाहिए। इस संबंध में फिर उनको नोटिस दिया है, बाकी अभी जाँच चल रही है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।